दोस्तों इस तरीके से अगर आपको अपने फ्लेक्स डिज़ाइन में टेक्स्ट इफेक्ट देना है, 3D में देना है, एम्बोस इफेक्ट देना है, तो आप ये 3D इफेक्ट किस तरीके से दे सकते हैं ये हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बनाता हूँ। नई फाइल में मैं ले लेता हूँ यहाँ से इंच, इंच में इसको मैं कर देता हूँ 5 इंच, इधर से मैं कर देता हूँ 2 इंच, और यहाँ 300 रिजोल्यूशन ले रखा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद यही टेक्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर टी प्रेस करके। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ये हिंद ग्राफिक्स, मैंने एक वर्ड लिख दिया, आपको जो भी लिखना हो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी करके हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के इसे बड़ा कर दिया, इंटर करके ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया। यहीं पर डबल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर देख लिए डबल क्लिक में कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद हम चलते हैं ग्रेडियंट ओवरले, या ग्रेडियंट ओवरले में ना चल करके यहाँ पर कलर ओवरले में चलता हूँ मैं। यहाँ मैं चलता हूँ थोड़ा सा ऐसे गोल्ड लुक में, ऐसे एक कलर ले लेता हूँ मैं गोल्ड लुक में, हमने ओके कर दिया। फिर उसके बाद में चलता हूँ यहाँ बेवल एंड एम्बोस, बेवल एम्बोस में चलने के बाद यहाँ शैडो मोड में चलेंगे। यहाँ पर इसमें जो कलर लेंगे इसी का गोल्ड कलर का थोड़ा डार्क लुक ले लेंगे, डार्क कलर। इसका साइज़ थोड़ा सा हम इसे बढ़ाते हैं, अब देख लीजिए किस तरीके से लुक बनता जा रहा है। यहाँ चलेंगे ग्लॉस कंटूर, यहाँ चल करके कुछ इस तरीके के इफेक्ट दे देंगे। देख लीजिए किस तरीके का ये इफेक्ट अपने आप आ गया, या एक दो आप चेंज करके इसे देख सकते हैं, मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ से इसका हम एंगल चेंज कर सकते हैं, जो ये डार्क लाइट दिखाई दे रहा है ये हम डार्क लाइट ऐसे करके हम एंगल इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है साहब, ऐसे हमने चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से, या आप और ऐसे कर लीजिए, कुछ अपने हिसाब से इसे कर लीजिए। अगर इसको मैं करता हूँ माइनस, यहाँ पर करता हूँ -34, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं 32, देख लीजिए अब ये कितना अच्छा इफेक्ट आ गया। और ये डेप्थ को चाहे हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, डेप्थ बढ़ाने घटाने से क्या होता है इसकी डार्कनेस घटती बढ़ती है। साइज़ को हमने इतना बना रखा है, इतना काफ़ी है साइज़, तो अब इसको ओके करता हूँ। ये पहला स्टेप आपका ये हो गया। अब मैं दूसरा स्टेप क्या कर रहा हूँ कि इसको कंट्रोल जे कर रहा हूँ, कंट्रोल जे किया तो क्या हो गया इसकी ये कॉपी बन गई, डुप्लीकेट बन गया। कंट्रोल टी किया ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक ये बॉक्स आ गया। अब मैं एरो की से अप एरो की और लेफ्ट एरो की एक एक बार में प्रेस कर रहा हूँ, अप किया फिर ये लेफ्ट किया, फिर इसको मैंने इंटर कर दिया, हटा दिया। अब आपको क्या करना है यही ध्यान देना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट होल्ड करके टी कर रहा हूँ, टी 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 इसे करता चला जाऊंगा। ये देख लीजिए किस तरीके का ये इफेक्ट बनता चला जा रहा है 3D। जितना ऊंचा आपको बनाना हो, जितना ज़्यादा 3D बनाना हो, इस तरीके से आप ऐसे 3D बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे ना बहुत सारी इसकी कॉपीज़ बन जाती हैं, ये बहुत सारी इसकी कॉपी बन गई। यहाँ क्लिक करता हूँ एक बार, यानी ऊपर वाले लेयर को एक बार क्लिक किया। अब मैं यहाँ चलता हूँ बेवल एंड एम्बोस में चलता हूँ दोबारा। यहाँ पर मैंने यूज़ किया था, देखिए यूज़ ग्लोबल लाइट, अब इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। क्यों हटाऊँगा, अगर नहीं हटाऊँगा तो अगर इसमें कोई इफेक्ट दूंगा वही इफेक्ट सब में अप्लाई हो जाएगा, तो हमें सब में अप्लाई नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले लेयर में कुछ अलग टाइप का इफेक्ट देना है मुझे। अब इसको मैं हटा करके देखता हूँ, या इसे नॉर्मल रहने दीजिए या इसको हटा दीजिए, जो मर्जी वो कर सकते हैं। अब यहाँ से ये कलर ओवरले में चल करके, या इसको ओवरले हटा करके यहाँ मैं कुछ और कलर दे देता हूँ, यहाँ जैसे दे देता हूँ मैं इस टाइप का कलर, या ये कलर देना है मुझे, ऐसे कलर देना है जो बने बनाए रेडीमेड आते हैं, इसमें से कोई भी कलर आप दे सकते हैं जो आपको देना हो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। अगर ये सब ना देना हो तो आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। अब देख लीजिए ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलिए मैं यही रहने देता हूँ, इसको मैं करता हूँ ओके। अब फिर मैं यहाँ बेवल एंड एम्बोस में चलता हूँ, और यहाँ चलने के बाद आप जो है इसमें यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं करता हूँ 72 करने पर देखिए किस तरीके का लुक ये बन गया, ये कैसे हो गया, यहाँ 72 दिया कैसे लुक बन गया। अगर इसमें आप स्ट्रोक देना चाहें तो स्ट्रोक भी दे सकते हैं, यहाँ पर इसका वाइट कर देता हूँ मैं, स्ट्रोक वाइट कर दिया, अब देखिए कितना प्यारा है ये लुक बन गया। अब इसको जैसे हमें कंटूर पे चलता हूँ, कंटूर करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ मैं
कुछ इस तरीके, देखिए अगर आपको इस तरीके का लुक अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हटा ही देते हैं। तो यही काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको हमें ओके करना है। अब लास्ट वाली लेयर जो सबसे नीचे लेयर है, ये वाली लेयर, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, इसमें मैं ऐड करने चल रहा हूँ शैडो, शैडो ऐड करके ये यूज़ ग्लोबल लाइट यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इस तरीके से इसमें शैडो बन जाएगी। यहाँ देख लीजिए ये शैडो बन रही है, इसमें कम ज़्यादा यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं कोई कलर कर देता हूँ इसके बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में कलर करने के लिए एक मैं लेयर बनाता हूँ। आप कीबोर्ड से भी लेयर बना सकते हैं, यहाँ से भी आप ऐसे लेयर बना सकते हैं और इसको एकदम नीचे सबसे बॉटम में लेके चलता हूँ। ये वाली लेयर सबसे बॉटम में ले जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ये कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें कोई मैं कलर दे रहा हूँ, कलर कौन सा दे दूँ, मुझे लगता है इसी से मिलता जुलता कोई कलर, कुछ इस तरीके से मैं ये कलर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें ये वाला कलर ना दे करके कोई और कलर दे सकते हैं, इसमें रेडिश दे सकते हैं, रेड कलर दे सकते हैं या कुछ इस तरीके से भी कलर दिया जा सकता है। अब जैसे आपको बेहतर लगे, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो है आपको ये कलर डालना है। फ़र्ज़ कीजिए यही आपको कोरल में लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये करना है कि ये जो बैकग्राउंड वाला लेयर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट, पहले यहाँ हम देख लेते हैं इमेज में चल करके देख लेते हैं कि RGB मोड में है या नहीं है। RGB मोड में है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ PNG। लेने के बाद मैं डेस्कटॉप पे अब सेव करता हूँ, लिख देता हूँ हिंद ग्राफिक्स और यहाँ पर कर दिया मैंने सेव। अब मैं इसको लेके आता हूँ कहाँ, कोरल में लेके आया। कोरल में लाने के बाद अगर इसका मैं बैकग्राउंड कोई कलर कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये कोरल में आ चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसी तरीके से बहुत सारी हेडिंग, बहुत तरीके की हेडिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपने सीख लिया होगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलता हूँ मैं अगले वीडियो, मिलता हूँ इसी के साथ, शुक्रिया, थैंक यू।